हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पटेल। हमारे यूट्यूब चैनल एमडीएम टेक्टोविजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया। दोस्तों आपको यहाँ पे इमेज में शो कर रहा होगा जो इलेक्ट्रिकल टेस्टर बोलते हैं, मैजिक टेस्टर इसको बोलते हैं। दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग वीडियो और आपको कैसे इसको यूज करना है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके दोस्तों आया मैं। तो आपको अच्छी तरह से जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, शॉक लगने का पूरा चांसेस नहीं है दोस्तों, इसलिए यार पहले आपको बता देता हूँ, आप ये घर पे भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो में पहले इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, इसी तरह ये हमारा इलेक्ट्रिकल एसी वोल्टेज टेस्टर है हमारे पास। दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा टेस्टर है, 19 वोल्ट से 1000 वोल्ट एसी तक हम इसको टेस्ट कर सकते हो। कई इंडस्ट्रीज में आप गए हो तो इंडस्ट्रीज में एसी वोल्टेज ज़्यादा आता है, 2 फेज आता है, 400 वोल्ट आता है, 450 वोल्ट आता है, 500 वोल्ट आता है, तो फिर भी आप इस टेस्टर से आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो पहले इसमें देख लेते हैं, बताता हूँ ये कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों देख लीजिए, ऐसा इसकी सेंसिटिविटी रेंज है 19 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक एसी है, अपने वोल्टेज में आप बता सकते हो, टेस्ट कर सकते हो वोल्टेज। दोस्तों देख लीजिए, आपको यहाँ पे छोटा सा एक बटन दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है कि ये बटन टॉर्च के लिए, इसको मैं जैसे यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे इंडिकेट बता रही है, जैसे प्रेस करके ले लिया तो इंडिकेट बंद हो गया। ये हमारी छोटी सी एलईडी है, इसी आपको रात के समय में किसी भी वोल्टेज टेस्ट करना है तो आप एलईडी एक टॉर्च की जगह ये काम कर सकती है अच्छी तरह से दोस्तों। तो देख लीजिए ये टॉर्च का काम कर सकती है, और आपको दिखना है इसमें छोटा सा दो सेल आता है दोस्तों। दोस्तों इस सेल को मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। दोस्तों इसी तरह आपको देखो निकालना है, इसकी दो सेल आते हैं दोस्तों, ये हमारा दो सेल है। तो दो सेल 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, तो 3 वोल्ट का दो सेल है, तो सेल आप यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों। इसी तरह आपको इसको लगाना है, देख लीजिए इसे एक लगा दिया और दोस्तों दूसरा लगा दिया, और यहाँ पे आपको इसको मैंने निकाला, इसलिए आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे एक छोटा सा बजर लगा हुआ है, तो आप बजर जो ऐसे सेंसिटिविटी बता दे एसी वोल्टेज जब आ रहे हैं अपने केबल में से, तो केबल का यहाँ पे आपको साउंड सुना देगा दोस्तों, तो ये बीप सुना देगा दोस्तों, जिसको ऐसी तरह है आपको प्रेस कर देना है तो अच्छी तरह इसको फिटिंग हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लॉक करना है आपको, तो देख लीजिए इसको अच्छी तरह से आपको प्रेस करना है, तो देख लीजिए इसको मैं प्रेस करके आपको बताता हूँ। ये पावर मैंने जो लगा दी, इसको ऐसी तरह प्रेस करके आप अच्छी तरह इसका फिटिंग कर सकते हो। तो ये पावर मिनिमम हम 6 महीने आसपास भी चल सकता है पावर, कंटिन्यूली यूज़ कर रहे हो ये टेस्टर, इलेक्ट्रिकल टेस्टर, तो इसमें कंटिन्यू यूज़ करने से ये 6 महीने तक तो चलेगा ही दोस्तों। तो इसका इंट्रोडक्शन दोस्तों मैंने देख बता दिया है ये कैसे आता है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास ये दो केबल है, तो इसमें से एसी जो फेज म्यूटर होता है इसमें फेज में कनेक्शन बताएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जैसे टॉर्च का यूज़ करना है तो आपको इसको प्रेस करना है, ये टॉर्च का उपयोग करके बताया, ये स्विच सिर्फ टॉर्च के लिए ही है, आपको अभी टेस्ट करना है फेज और न्यूटन के लिए। तो दोस्तों इसको प्रेस करना नहीं है, ऐसे ही बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दो कनेक्शन मैंने लिया हुआ है, इसमें एक फेज है और एक न्यूटन है दोस्तों। तो अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे स्विच मैंने ऑन कर दिए, तो यहाँ पे दो केबल आ रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए इसमें से ये वाला हमारा फेज है, देख लीजिए कहीं कुछ भी करना नहीं है, ऐसे इसके पास भी जाना है, ये हमारा न्यूटन है, न्यूटन ने बताएगा दोस्तों, वही समझ लेना है दोस्तों किसमें किस केबल में फेज आ रहा है। तो देख लीजिए ये न्यूटन का कनेक्शन है और यहाँ पे फेज का कनेक्शन, जैसे फेज का कनेक्शन होने से आपको साउंड सुनाई दिया पड़ा है इंडिकेट करके, इसके साथ आप ये प्रेस टॉर्च पुश बटन प्रेस करके आप लाइट भी अच्छी तरह से कर सकते हो दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे पूरा ये केबल है फेज का है, तो फेज का कनेक्शन पूरा आपको बताएगा, देख लीजिए दोस्तों ये हमारा फेज का कनेक्शन है, और इसके साथ में ये हमारा देख लीजिए ये न्यूटन है, न्यूटन कुछ भी नहीं बताएगा इंडिकेट। तो अच्छी तरह से ये टेस्टर आपको पता चल जाएगा कि किस केबल में किस वायर में फेज आ रहा है और न्यूटन आ रहा है, जैसे बीप बजेगा ऐसे, तो समझ लो आप ये फेज कनेक्शन है, ये हमारा न्यूटन है, देख लीजिए पूरा न्यूटन है, न्यूटन में कुछ भी नहीं बता रहा है, देख लीजिए दोस्तों, और हमारा ब्लैक वाला भाग फेज में अच्छी तरह से बताएगा, देख लीजिए दोस्तों। इसी तरह आसान तरीके से आप चेक कर सकते हो, इसमें आपको कुछ करंट कुछ नहीं लग सकता क्योंकि इसको टच
पूरा पास पे जाना ही नहीं है, थोड़ा गैप रखना है, फिर भी ये करेक्शन को बताएगा दोस्तों, देख लीजिए। और ये हमारा न्यूटन है, तो न्यूटन भी कुछ नहीं बताएगा दोस्तों। अभी आप चेक करना है ये कितने तक एसी वोल्टेज आता है, बीच में ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक कैसे होता है इसका भी आप बताने वाला हो दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे दो केबल है, इसमें जो ब्लैक वाला फेज है और ये पीला वाला न्यूटन, न्यूटन में तो कुछ नहीं बता रहा है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे फेज आ रहा है, तो पूरा फेज आ रहा है, देख लीजिए आपकी वायर कहाँ पे ब्रेक है वो देखना है आपको दोस्तों। देख लीजिए इधर तक आ रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है, देख लीजिए आगे आगे फेज नहीं जाए क्योंकि यहाँ केबल ब्रेक हो गया है दोस्तों। देख लीजिए किधर स्टार्ट होता है, बीप बजना, इधर तक इधर तक इधर तक केबल सही है दोस्तों, और इधर से आगे जाएंगे तो केबल ही बीच में ब्रेक हुआ है, तो कैसे ब्रेक हुआ है वो भी आप मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों। पहले ये देख लीजिए इधर तक, आप घर पे भी किसी तरह वायरिंग कर रहे हो देखना है तो ब्रेक कहाँ तक है तो देखना है। इधर जब तक बीच बज रहा है तो जब तक ये पूरा साउंड सुनाई देगा आपको तब तक ये केबल सही है। इसके आगे जाएंगे जब से ये साउंड सुनना बंद हो जाएगा तो समझ लो इधर से पूरा वायर हमारा ब्रेक हो गया है। तो देखते हैं दोस्तों किधर से ब्रेक हुआ है, अंदर के जाके बताते हैं हम इसको कैसे ब्रेक हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए इधर तक बीप बज रहा है, इसके आगे बीप नहीं बज रहा है, तो दोस्तों देखते हैं इसको कैसे ब्रेक हुआ है। तो देख लीजिए इधर तक ये बीप बज रहा है, तो इसको निकालते हैं, खोला हम इसको ब्रेक हुआ है बताते हैं आपको। देख लीजिए दोस्तों ये वायर इधर तक भी ब्रेक हो गया था, जैसे इधर आपको इसी तरह देख तो इधर तक आ रहा था, देख लीजिए अभी आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों देख लीजिए ये भी इधर तक बज रहा है, वो इधर से ब्रेक हो गया था, इसे आगे वायर नहीं जा रहा जिसकी यहाँ से ब्रेक हो गया था दोस्तों। तो इधर से ब्रेक होने से ये अपना साउंड और LED इंडिकेट नहीं कर रही थी दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि जैसे AC वोल्टेज टेस्टर आप इसको टच करके बिना भी कैसे वोल्टेज आ रहा है वो देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अच्छी तरह मैंने ये आपको वीडियो बता दिया है दोस्तों। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं लेके आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन पहले आपके पास मिल जाए, इसलिए पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।